हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं समीर कैटल ब्लॉग्स एक और वीडियो के साथ। तो आप सब कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ चुका हूं मैं एक और वीडियो लेकर। फिलहाल के लिए मैं मौजूद हूँ ग्वालबाड़ी पर, एक और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी ये वाली जो कंकराज आपको दिख रही है, ये है कंकराज गाय जो यहाँ से जो है सेल हो चुका है। और ये जो जिन्होंने लिया है उनका नाम है अफजल भाई। और ये जो फार्म है, ये फार्म का नाम है, आपको मैं बता दूं, ये असलम डेयरी फार्म का ये वाला फार्म है। और फिलहाल मैं इस जगह से लेकर ये वाला जो लोडिंग आपको दिखाने वाला हूँ, ये जिन्होंने लिया है उनका नाम है अफजल भाई। और अफजल भाई का ये वाला कंकराज गाय जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा और बहुत ही क्यूट सा ये वाला जो है कंकराज गाय परचेस किया है। बहुत ही हेवी वेट का है ये वाला, बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली गाय है कंकराज गाय जिन्होंने ये वाला परचेस किया है। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से ये वाला आप लोग देख लें फ्रेंड्स। और इसे जो है यहाँ से लोडिंग किया जाएगा। वेरी एग्रेसिव है बाबा। ओहो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा ये वाली गाय जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। किस तरीके से देखिए, चन बन कर रही है यहाँ वहाँ जाने की कोशिश। और आप लोगों को मैं जो है यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से जो इसे निकाला जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरी अच्छी तरीके से। भाई बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा है ये वाला जो फार्म का है। ये फार्म का नाम है असलम डेयरी फार्म के बगल में। ये फार्म का मुझे भी सही से नाम पता नहीं है, मगर ये फार्म जो है श्री कांतो बाटा का है, मतलब ये जानवर श्री कांतो बाटा का। और ये फार्म जो है असलम डेयरी फार्म का ही है, ठीक है ना फ्रेंड। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ से लोडिंग होगा। نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاء كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين لذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين لذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا
फाइनली यहाँ पर ही जो है लोडिंग अनलोडिंग हो चुका है। ये अनलोडिंग वीडियो फाइनली हो चुका है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही सेफली और माशाल्लाह बहुत ही इत्मीनान से यहाँ पर ही जो है अनलोडिंग वीडियो हो चुका है। और मैं मौजूद हूँ अभी तालतला में और ये पर मतलब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा ये वाली कंकराज गाय जो अफजल भाई का है ये वाला। और अफजल भाई के जो ये फैमिली है जो सामने में आपको नज़र आ रहे हैं, अफजल भाई के फैमिली है और सामने में देखिए सारे अफजल भाई के हैं। तो बहुत ही सेफ आराम से जानवर जो है लोडिंग भी हुआ है अनलोडिंग भी हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का जो है ये कैंकरेज गाय है जो आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। ये अफजल भाई के जो है ये फैमिली है, पूरे सर में जो आपको गमछा बांध के दिख रहे हैं वही है अफजल भाई। अफजल भाई के जो यहाँ पे भाई है, अफजल भाई के यहाँ पे लड़के हैं, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिखाई। और समीर कैटल ब्लॉग्स में आप लोगों को हर एक वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। और इसकी झूठी देखे आप लोग माशाल्लाह भाई, मैं क्या ही मैं बताऊँ, झूठी की बनावट या फेस लुक की इसकी बनावट क्या हाम है भाई माशाल्लाह। इसकी बैक साइड की अगर चौड़ाई देखेंगे आप लोग तो माशाल्लाह से आप लोगों को समझ में आएगी कि ये वाली कंकराज की खूबसूरती वाकई में क्या है। हाइट से ज़्यादा ये जो है हेवी वेट है, गोल है, मटोल है, पूरा हर तरफ से अगर आप देखें तो बलून है पूरा एकदम। अगर इसे आप लोग कहीं किसी भी एंगल से अगर आप देखें, किसी भी एतबार से अगर देखें, माशाल्लाह इसकी जो खूबसूरती है वो आप लोगों को नज़र आएगी भाई। छोटा मोटा सा नहीं है ये, मतलब मैं बताऊँ ये इतना बेहतरीन साइज़ है ना कि आपको मतलब कोई परेशानी नहीं हुई लाने के लिए। मतलब कि इसका जो हाइट मैं बताऊँ बहुत ही ज़बरदस्त हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है मगर ये मीडियम हाइट का है मगर एकदम बलून हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पे दो खस्सी बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक छोटे बच्चे ने लेके निकाला, उन्हीं का है ये वाला खस्सी, ये भी अफजल भाई का ही है फैमिली का। दो खस्सी बहुत ही क्यूट सा ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन कलर का है, दो कलर का खस्सी जिसे पैरों में जो है घुंघरू जो चूड़ी अभी चला हुआ है वो पहनाया गया। तो वीडियो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा सा कंकराज का मैंने गाय का कलेक्शन दिखाई, उनका एक कंकराज गाय अफजल भाई का लोडिंग अनलोडिंग मैंने दिखाया ग्वालवाड़ी से लेके तालतला तक का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने समीर कैटल ब्लॉग्स को सपोर्ट करना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आई होप उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैंने एक अच्छी वीडियो दी बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारा सा, जैसे कि ग्वालवाड़ी से मैंने आप लोगों को लोडिंग से लेके तालतला में अनलोडिंग।